एपली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य का अपना कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, दखल नहीं होता है, और यह सच भी है, होना भी नहीं चाहिए दखल। हमारी सुरक्षा के लिए पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा चक्र के बीच में प्रकृति ने हमें रखा है, जिसे हम सब आज प्रदूषित करते जा रहे हैं हर दिन किसी न किसी रूप में। ओजोन परत के बारे में लोग आमतौर पर भले ही ज्यादा नहीं जानते हों, परंतु यह पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है और हमें हर विनाशकारी प्रभावों से बचाती है, और इसे सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। अगर तकनीक और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के इस युग में हम हर उस चीज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जिसकी हमें प्रगति के राह में तनिक भी रोड़ा बन रहा है, इसी तरह हमने अपने आराम और सहूलियत के लिए उस ओजोन परत को भी नष्ट करने की शुरुआत कर दी है, और कई उद्योगों ने, कई राष्ट्रों ने तो इस परत को समूल नाश करने की ठान ली है। उसे सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि दिन व दिन बढ़ते ही जा रही है। इन औद्योगिक गतिविधियों के कारण आज हमारे जीवन को बचाने वाली ओजोन परत खतरा में हो गया है। मित्रों, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि यह ओजोन है क्या। मित्रों, यह ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का यौगिक है। यह ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होती है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि इस ओजोन परत में नुकसान पहुंचने से खतरे क्या हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, और यदि ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है तो मनुष्य में हमारे स्किन, त्वचा से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ओजोन परत के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते मित्रों, क्योंकि इन किरणों के कारण कैंसर, फसलों का नुकसान और समुद्री जीवों को खतरा पैदा हो सकता है, और ओजोन परत इन्हीं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसी के कारण ध्रुवों के पिघलने का भी है। अंटार्कटिका में ओजोन में एक बड़ा छेद हो गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े हिमखंड हैं। यदि ये हिमखंड पिघलते हैं तो तटीय क्षेत्रों में फ्लड जैसी सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा गर्मी भी बढ़ेगी, जो कि हमारे सेहत के लिए बड़ा ही नुकसानदायक हो सकता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचने से जैविक विविधता पर भी असर पड़ता है और कई फसलें नष्ट हो सकती हैं। इनका असर सूक्ष्म जीवाणुओं पर भी पड़ता है। इसके अलावा यह समुद्र में छोटे छोटे पौधों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कई जल जीव, मछलियां व अन्य प्राणियों की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। मित्रों, अगर हम इस अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की इतिहास की बात की जाए तो इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दशक से इसे बचाने के लिए कई कार्य किए गए हैं, परंतु 23 जनवरी 1995 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उस समय यह लक्ष्य रखा गया था कि पूरे विश्व में 2010 तक ओजोन फ्रेंडली वातावरण बना दिया जाएगा। हालांकि अभी भी यह लक्ष्य हमसे बहुत दूर है। ओजोन परत बचाने की दिशा में
हमने कई उल्लेखनीय कार्य भी किया है। ओजोन परत को बचाने की परिणाम है कि हम आज बाजार में ओजोन फ्रेंडली फ्रिज कूलर खरीदे जा रहे हैं, कंपनियां इसे बना रही है। इस परत को बचाने के लिए जरूरी है कि फोम के गद्दों का इस्तेमाल न किया जाए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए या नहीं किया जाए, रूम फ्रेशनर व केमिकल परफ्यूम्स का उपयोग न किया जाए और ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए मित्रों। इसके अलावा अपने घर की बनावट ओजोन फ्रेंडली तरीके से हमें करनी चाहिए, जिसमें नेचुरल लाइट्स, रोशनी, हवा व ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग हो। मित्रों, यह धरती हमें एक विरासत के तौर पर मिली है, जिसे हमें आने वाली अगली पीढ़ी को सुरक्षित रूप से सुंदर बना के देना है। हमें ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए जिनसे ना कि सिर्फ हमारा फायदा हो, बल्कि उससे हमारे आने वाली कई पीढ़ियों को भी इससे फायदा हो। तभी हम अपने आने वाले पीढ़ियों को बेहद खूबसूरत धरती दे सकते हैं और तभी हम भी आनंद में रह सकते हैं इस जीवन में। तो मुझे उम्मीद है मित्रों, आपने आज जाना होगा वर्ल्ड ओजोन डे में और हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जो कि हमें ओजोन फ्रेंडली बना सके। हमें इस परत को सुरक्षित रखना है, तभी वह हमें सुरक्षित रखेगा। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।